हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी इसके पहले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, एरर के बारे में देखा था, है ना। क्या देखा था कि एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में देखा था। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ सम देखेंगे। पहला सम क्या है कि परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली, देन मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी, क्या होगा, मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी कितना होगा, ये आपको क्या करना है बताना है, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है 11%, बी में कितना दिया हुआ है 8%, सी में कितना दिया हुआ है 5%, एंड डी में कितना दिया हुआ है 4% दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो काइनेटिक एनर्जी को यदि मैं K से लिखूं तो K इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अब मैंने सुबह ही मॉर्निंग इसके पहले क्लास में मैंने बताया था कि डेल्टा K यहां से क्या लिख सकते हैं, अपॉन K इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा M अपॉन M प्लस पावर से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है इनटू क्या होगा, डेल्टा V अपॉन क्या हो जाएगा, V, और यहां क्या होता है प्लस माइनस होता है, ठीक है। आई मीन क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर इन, क्योंकि ये तो 2 क्या है, 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, कंसीडर ही नहीं। तो फ्रैक्शनल एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर इन मास प्लस 2 इनटू फ्रैक्शनल एरर इन स्पीड। अब यदि मुझे कैलकुलेट करना हो कि परसेंटेज एरर इन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज एरर इन क्या होगा, K इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा K अपॉन K इनटू क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 100 से, इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, डेल्टा M अपॉन M इनटू 100 प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 इनटू डेल्टा V अपॉन V इनटू क्या होगा 100। दिस इज नथिंग बट द परसेंटेज एरर इन क्या होगा, मास, यही होगा ना, ये क्या होगा, दिस इज परसेंटेज एरर इन मास, दिस इज नथिंग बट द परसेंटेज एरर इन क्या हुआ, मास, एंड दिस इज नथिंग बट द परसेंटेज एरर इन क्या हुआ, स्पीड, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कितना होगा, प्लस माइनस क्या लिखेंगे, परसेंटेज एरर इन मास कितना दिया हुआ है 2%, तो 2% प्लस 2 इनटू कितना दिया हुआ है, परसेंटेज एरर इन कितना दिया हुआ है, स्पीड कितना दिया हुआ है 3, तो हम क्या लिखेंगे 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस 2 प्लस कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा परसेंट कितना हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 8%। यही क्या होता है, मैक्सिमम एरर होता है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा आप बोलोगे, सर यहाँ ये क्या है प्लस मैक्सिमम एरर, तो मैक्सिमम एरर यही होता है, केवल क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू उसने कंसीडर किया है, साइन नहीं कंसीडर किया है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा अपना क्या होगा, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, बी होगा इसमें। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा क्या होगा, ठीक है, बी करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद अभी इसके बाद हम और एक न्यूमेरिकल देखते हैं। दिया हुआ है कि इफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस, दूसरा क्वेश्चन देखो, कि सेकंड एग्जांपल देखो, इफ क्वेश्चन सेकंड, इफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए रेडियस ऑफ स्फीयर इज क्या होगा 1%, है ना, क्या है 1% दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे What will be the error? ये पूछा गया है कि then क्या होगा, then error percentage error
या व्हाट देन देन परसेंटेज एरर इन measurement of volume is क्या होगा, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, 1% क्या दिया हुआ है, 1% सेकेंड जो ऑप्शन दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है 1/3%, 1/3%, सी ऑप्शन दिया हुआ है 3%, और डी जो दिया हुआ है उन्होंने दिया हुआ है। तो आपको क्या है कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना होता है ये मालूम है, देखो ध्यान से, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा 4/3 पाई क्या होगा आर क्यू, ये तो कांस्टेंट हो गया यार, तो लिख सकते हैं कि डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3 डेल्टा आर अपॉन क्या लिखेंगे आप, यही होगा ना यार, इसके पहले क्लास में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब क्या होगा परसेंटेज, देखो तो क्या होगा फ्रैक्शनल एरर इन वॉल्यूम, वॉल्यूम या फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा 3 फ्रैक्शनल चेंज इन क्या होगा रेडियस। फ्रैक्शनल जब भी लिखते हैं तो चेंज डिवाइडेड बाई क्या लिखते हैं इनिशियल वैल्यू, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो यहां हमने ये लिख दिया है ना, अब क्या लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं 100 से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू क्या होगा 3 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू क्या होगा 100। दिस इज नथिंग बट द, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर इन रेडियस, क्या होगा दिस इज कॉल्ड परसेंटेज एरर इन रेडियस, यही क्या हुआ परसेंटेज एरर इन रेडियस हुआ, और ये कितना दिया हुआ है 1% दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि परसेंटेज एरर एरर इन क्या होगा वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा इज इक्वल टू 3 परसेंटेज एरर इन क्या होगा इन रेडियस, तो ये कितना होगा 3 × 1% इक्वल टू क्या होगा 3% एरर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी क्या होगा सी होगा, ठीक है। उसके बाद और एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल्स है, इसको हम देखेंगे कि दिया कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 resistors, इसमें 2 questions मैं कंसीडर करूंगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लेना, आई मीन VBI। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ, कैलकुलेट इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस ऑफ R1 इक्वल टू दिया हुआ है, R1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 R1 इक्वल टू क्या है 6 ± 0.2 तो 6 ± 0.2 ohm एंड R2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 इक्वल टू इतना एंड R2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 ± 0.1 ohm। आप जानते हो 10th क्लास में पढ़े ओम का सिंबल है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ R1 इक्वल टू इतना एंड R2 इक्वल टू इतना when a में देखो when they are connected in parallel क्या होगा, पहले लिख रहा हूं या when they are, पहले लिख रहा हूं they are connected in series, ठीक है, और b में लिख रहा हूं कि when they are connected in parallel, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप एग्जाम किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा आप जनरली, तो बी में क्या लिखोगे कि when they are connected in
पैरेलल, ठीक है, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब मैंने आपको इसके पहले क्लास में जब भी ये दिया होता है तो क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है और ये क्या होता है, एरर होता है, हमेशा याद रखना। तो क्या है, आई मीन ट्रू वैल्यू और ये क्या है, एरर, और दिस इज मेजर्ड वैल्यू। ये मॉर्निंग में आई मीन इसके पहले क्लास में मैंने आपको बताया था। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, कि R1 इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है R1, देखो क्या है गिवन में, क्या दिया है गिवन में, क्या है R1 इज इक्वल टू क्या है 6 प्लस माइनस पॉइंट क्या है 2.2, क्या दिया हुआ है। तो दिस इज क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो R1 प्लस क्या लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा R1, यही होगा क्या, ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस इज क्या होगा, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, एंड दिस इज एरर, ठीक है। तो यहां ये जरूरी है आपको समझना, तो यहां आप लिख सकते हो इसका मतलब क्या हुआ, आर जीरो आर वन इक्वल टू क्या होगा 6 ओम, और डेल्टा जीरो डेल्टा आर जीरो वन इक्वल टू क्या होगा 0.2, ठीक है। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि आर टू क्या होगा, देखो अगेन लिख सकते हैं आर टू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आर नॉट टू प्लस माइनस क्या होगा डेल्टा आर नॉट, ठीक है। ये आपको समझना है, या सिंपल इसको डेल्टा आर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। तो ये डेल्टा आर वन लिख लेना और ये क्या हो जाएगा डेल्टा आर टू लिख लो, ठीक है, ये डेल्टा आर वन लिख लो। अब यहां से भी देख सकते हो, कंपेयर करोगे तो आर नॉट इज इक्वल टू क्या होगा 3 ओम, एंड आर डेल्टा आर, डेल्टा आर टू इज इक्वल टू क्या होगा 0.1। अब देखो जब सीरीज में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो क्या लिखते हैं हम, ये आपको समझ में आया ना। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ, कि जब सीरीज में, कि when they are connected in series, पहला क्वेश्चन यही है ना, when they are connected in series, तो ए में देखो when क्या होगा, when they are connected, connected in series, तो देखो आर एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आर, आई मीन आर इक्वेलेंट या आर एस, आर एस लिख देता हूं, तो इसको क्या लिखेंगे आर ए आर नट एस प्लस प्लस माइनस क्या लिखेंगे डेल्टा आर। दिस इज क्या होगा ट्रू वैल्यू और दिस इज क्या होगा एरर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू वैल्यू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एरर हो जाएगा। तो दिस इज ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, एंड दिस इज क्या होगा एरर। यही अपने को क्या करना है, कैलकुलेट। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखो आर नट एस इक्वल टू क्या होगा आर नट वन प्लस क्या होगा आर नट टू। सिंपल है, सीरीज आपको मालूम है कि सीरीज में हम क्या लिखते हैं, दोनों को सिंपली क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा ट्रू वैल्यू, कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 6 प्लस 3 आई मीन सॉरी 3 प्लस 6 इक्वल टू क्या होगा 9। अब मुझे क्या करना है, डेल्टा आर कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या लिखेंगे, सीरीज में हम क्या लिखते हैं, देखो तो आई मीन आर इक्वल टू क्या लिखेंगे आर वन प्लस क्या लिखेंगे आर टू। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर अपॉन आर प्लस इक्वल टू क्या होगा डेल्टा, डेल्टा आर वन अपॉन आर वन प्लस डेल्टा आर टू अपॉन क्या होगा आर टू, यही होगा ना। अरे यही सीरीज इक्वेलेंट हुआ ना यार, तो एरर ऐसे ही निकालते हैं ना, इसके पहले क्लास में मैंने बताया आपको, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, यहां अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें मुझे आर एस में लिखना है, तो डेल्टा आर एस अपॉन क्या लिखेंगे
डेल्टा आर ऐसे लिख सकते हैं यार, या डेल्टा आर अपॉन क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू ए, क्या लिखेंगे, फर्स्ट रेजिस्टेंस में फ्रैक्शनल चेंज इन एरर प्लस क्या होगा सेकंड रेजिस्टेंस में फ्रैक्शनल चेंज इन एरर, यही हुआ ना। तो डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा आर वन अपॉन क्या होगा आर वन प्लस डेल्टा आर टू अपॉन क्या होगा आर टू। ये फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर इन क्या होगा आर वन एंड दिस विल बी फ्रैक्शनल एरर इन क्या होगा आर टू। दिस इज फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल एरर इन क्या होगा आर टू। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो डेल्टा आर अपॉन, ठीक है क्या लिखेंगे, डेल्टा आर अपॉन आर एस, क्योंकि यही क्या है इनिशियल वैल्यू है ना यार, रेट टू वैल्यू है, तो इधर लिखेंगे आर एस इक्वल टू ये क्या लिखेंगे, डेल्टा आर वन अपॉन आर जीरो वन चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, ये लिखते हैं चेंज डिवाइडेड बाय क्या होगा इनिशियल वैल्यू प्लस डेल्टा आर टू इक्वल टू क्या हो जाएगा आर नट टू, ठीक है। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको आसानी से क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर एस इन टू डेल्टा आर वन, डेल्टा आर वन क्या है यार 0.2 है, 0.2 अपॉन क्या होगा 6, देखो क्या लिखेंगे 0.2 अपॉन 6, 0.2 अपॉन क्या होगा 6 प्लस, ठीक है उसके बाद क्या लिखेंगे मैक्सिमम एरर बाद में लिख लेंगे, क्या होगा 0.6 प्लस 0.2 अपॉन 6 प्लस क्या होगा 0.1 अपॉन क्या होगा 3, ठीक है। अब डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आर एस, आर एस कितना मिला यार 9, यही है ना 9, तो 9 इंटू क्या लिखेंगे देखो तो 0.2, तो इसको लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं देखो तो 0.1 अपॉन 3 लिख सकते हैं यार, कोई डाउट नहीं है ना इसमें, अरे कोई डाउट नहीं है ना, प्लस क्या हो जाएगा 0.1 बाई 2, ठीक है सॉरी 3, तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा आर इज इक्वल टू 9 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई क्या होगा 3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू क्या हुआ 0.1 क्या हुआ 0.6, ठीक है। तो डेल्टा आर आपको मालूम चल गया कितना 0.6। अब आप क्या करोगे, डायरेक्ट जब एरर लिखोगे तो आर एस कितना लिखोगे, ठीक है तो डेल्टा सॉरी आर एस, आर एस इक्वल टू क्या लिखोगे 0.9 है ना, यहां आर एस आर आर एस इक्वल टू क्या लिखा था मैंने आर नट एस, इसको आर नट एस लिख लेना यार है ना, ठीक है आर नट एस, आर नट एस आई मीन ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस माइनस स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.6। अब देखो ये सीरीज तो आसान है यार, जब पैरेलल में हम कनेक्ट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक सिंबल से कंफ्यूज मत होना तुम लोग है ना, कि बी में क्या है कि व्हेन व्हेन बोथ व्हेन आर वन आर वन एंड क्या होगा आर टू आर कनेक्टेड इन क्या होगा कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जब आर वन आर टू पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा तो देखो क्या लिखेंगे, यहां मैं डायरेक्ट लिख देता हूं आर इज इक्वल टू क्या होगा आर पी है ना प्लस माइनस क्या होगा डेल्टा आर, ठीक है। अब आर पी आप कैलकुलेट कर सकते हो यार, देखो ध्यान से आर पी इज इक्वल टू क्या हो गया वेयर आर पी क्या है ट्रू वैल्यू का पैरेलल इक्विवेलेंट, तो आर पी कितना हो जाएगा यार आर वन आर टू अपॉन क्या होगा आर वन प्लस क्या होगा आर टू, यहां लिखोगे तो आरपी इक्वल टू 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 9
कितना हो जाएगा, टू ओम आ जाएगा। तो आर पी मालूम चल गया। अब यहाँ डेल्टा आर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो हम जानते हैं कि पैरेलल इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, देखो वन अपॉन क्या होगा, वन अपॉन आर, वन अपॉन आर इज इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन क्या होगा आर टू। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो क्या करना है, पावर से मल्टीप्लाई करके क्या करना है आपको, डिवाइड कर दें। तो यहाँ लिख सकते हैं देखो डेल्टा आर अपॉन क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा आर वन अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू अपॉन क्या होगा, आर टू स्क्वायर। ये आपको समझ में आया हमने कैसे लिख दिया, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर, अब देखो यहाँ क्या होगा, डेल्टा आर इक्वल टू क्या होगा, ये क्या होता है, इनिशियल वैल्यू है, आई मीन यहाँ हम क्या लिखेंगे, आर पी लिखेंगे, समझ में आया ना, क्योंकि ये क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, देखो डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा आर वन अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू अपॉन क्या होगा, आर टू स्क्वायर इन टू क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर आई मीन आर पी स्क्वायर, पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ से आप डेल्टा आर जब कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा, ये मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ जो वैल्यू रखोगे, डेल्टा आर कितना है यार, पॉइंट पॉइंट टू डिवाइडेड बाई क्या है 36 प्लस ये क्या है पॉइंट वन डिवाइडेड बाई क्या है 9 इंटू पैरेलल इक्विवेलेंट कितना होगा 4 हो जाएगा, ठीक है, यही होगा ना। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, अब देखो हो सकता है इट में भी मिस्टेक भी हो कैलकुलेशन, तो ध्यान देना डेल्टा आर इक्वल टू क्या होगा जब कैलकुलेट करोगे तो 0.07 आएगा, 0.07 ओम आएगा। अब आप आर पी का वैल्यू डायरेक्ट आर का वैल्यू लिख सकते हो कि जब पैरेलल में कनेक्ट होगा तो कितना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ आर पी का वैल्यू अपने को क्या मिला था 2, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू क्या होगा 2 प्लस माइनस 0.07 ओम आंसर होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ हो इसका मतलब क्या है, देखो ये क्या होता है ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या होता है सिंपल याद रखना फ्रैक्शनल जो एरर होता है वो क्या होता है, एरर डिवाइडेड बाय क्या होता है इनिशियल वैल्यू। यहाँ मैं नोट में लिख देता हूँ कि जब तुम कभी भी कंफ्यूज मत होना कि क्या होगा, नोट में लिख देता हूँ, जब भी क्या होगा फ्रैक्शनल, यहाँ इस केस में वो एब्सोल्यूट एरर की बात नहीं, फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू क्या होगा एरर डिवाइडेड बाय क्या होगा ट्रू वैल्यू, एरर एरर अपॉन क्या होगा ट्रू वैल्यू, ये याद रखना है तो कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। जैसे आर प्लस डेल्टा आर, तो डेल्टा आर क्या हुआ एरर हुआ, और आर क्या हुआ इनिशियल ट्रू वैल्यू हुआ। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर, तो डेल्टा आर अपॉन क्या लिखेंगे आर लिखेंगे। तो ये अभी कभी भी जब तुम कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ जैसे फ्रैक्शनल एरर पूछा जाता है क्या हुआ ट्रू वैल्यू, दिस इज नथिंग बट द एरर, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन था वो अच्छा क्वेश्चन है, आई मीन अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपसे क्वेश्चन। उसके बाद आप देख सकते हो कि और भी क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है इसमें, हाँ देखो एक और क्वेश्चन दिया हुआ कि इफ द, देखो अगला क्वेश्चन देखो इवी, देखो अगला क्वेश्चन नंबर क्या है तेरे परसेंटेज, इफ इफ परसेंटेज एरर इन क्या होगा मेजरमेंट्स ऑफ करेंट
इन द करंट इन द रेसिस्टर्स इन द रेसिस्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर आर आर कितना दिया हुआ है आर ठीक है आर 2% है ना 2% एंड 4% रिस्पेक्टिवली देन फाइंड परसेंटेज एरर इन क्या होगा आर आर स्टैंड फॉर रेसिस्टर ठीक है अब देखो तुम लोग ओम्स लॉ जानते हो है ना तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इस पे एक और क्वेश्चन है फ्रॉम क्या है फ्रॉम ओम्स लॉ टेंथ क्लास में तुम पढ़े हो कि V इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है यही होता है ना तो R इज इक्वल टू क्या होगा V अपॉन क्या होगा I R इज इक्वल टू क्या होगा V अपॉन I तो हम लिख सकते हैं डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन क्या होगा I यही होगा ना तो आई भी लिख सकते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो इक्वल टू क्या होगा 100 इंटू क्या होगा डेल्टा वी अपॉन वी प्लस 100 इंटू डेल्टा आई अपॉन क्या होगा ठीक है तो ये देखना ठीक है तो ये कितना दिया हुआ है यही क्या हुआ परसेंटेज एरर इन क्या हुआ रेसिस्टर तो ये क्या हुआ परसेंटेज एरर इन क्या हुआ आर इज इक्वल टू क्या है यार ये परसेंटेज एरर इन वोल्टेज और ये कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है तो 3 प्लस ये कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है तो 2 इज इक्वल टू क्या होगा 5% ठीक है क्या है ये कितना हो गया 5% आंसर इसके बाद एक और न्यूमेरिकल देखो अगला क्वेश्चन ये 4 आई थिंक 5 क्वेश्चन नंबर होगा देख लेना यार मालूम नहीं है द रेजिस्टेंस दिया हुआ है कि द रेजिस्टेंस क्या है आर वी अपॉन आई वेयर Where, देखो V इक्वल टू क्या दिया हुआ है 100 प्लस 0.50 है ना प्लस माइनस 0.50 या 50 दिया हुआ है वोल्ट्स और I इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है I इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आप बता सकते हो I इज इक्वल टू कितना होगा देखो कितना होगा दिया हुआ है 10 प्लस माइनस आई थिंक 0.2 तो आपसे क्या पूछा गया कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन R देन क्या है देन फाइंड The value of R in error limit. Then find the kya hoga value of R in within error limit. Within kya hoga within error limit. I mean with error likhna hai. To R equal to kya hoga? Dekho to yahan hum likhte hain R. इज इक्वल टू क्या होगा यार
ट्रू वैल्यू हम क्या लिखेंगे, आर नॉट, आर नॉट क्या होगा यार, ट्रू वैल्यू प्लस क्या लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा आर, यही होगा ना। दिस इज क्या होगा, ये मेजर्ड वैल्यू हुआ, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, दिस इज क्या हुआ, ट्रू वैल्यू, और दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ, एरर। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे यार, देखो यहां ये क्या है, ट्रू वैल्यू है, तो ट्रू वैल्यू के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू निकालेंगे। तो यहां हम निकाल सकते हैं आर नट इज इक्वल टू क्या होगा, वी नट अपॉन क्या होगा, आई नट, और यहां वी नट कितना है, 100, तो 100 अपॉन क्या लिखेंगे, 10, आई मीन कितना हुआ, 10 ओम जो हुआ क्या हुआ, ट्रू वैल्यू मान। अब जब आप एरर लिखोगे तो अभी हम बता, यहां से हम एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो तो डायरेक्ट यहां R is equal to क्या लिखोगे, V upon क्या लिखोगे, I, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, delta R upon R is equal to क्या होगा, delta V upon V plus delta I upon क्या होगा, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, देखो ये क्या हुआ, error divided by true value, तो true value क्या है यार, R not, हमने यही है ना true value, ये R not, R नॉट यहाँ ट्रू वैल्यू है, दिस इज नथिंग बट द ट्रू वैल्यू, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि डेल्टा R इज इक्वल टू क्या होगा, R नॉट आई मीन ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाई क्या होगा, डेल्टा V अपॉन V, डेल्टा V क्या है यार, 5 अपॉन V कितना है, 100 प्लस कितना है, डेल्टा I कितना है यार, 0.2 अपॉन 10, ठीक है। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर नट, आर नट कितना दिया हुआ है, 10 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 20 प्लस ये कितना हो जाएगा, 100 आई मीन 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 50, यही होगा ना, देखो तो ये 100 आई मीन 1 अपॉन 50। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 5 प्लस 2 अपॉन क्या हो जाएगा, 100, सही है, अरे कोई डाउट नहीं हुआ ना, देखो 2 और ये क्या हुआ, 5 है ना, सही है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 7 अपॉन क्या हो जाएगा, 10 आई मीन कितना हुआ, 0.7 एरर आ गया, आ गया। आप तो आराम से हम क्या कर सकते हैं यार, वैल्यू लिख सकते हैं, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, R नॉट, R नॉट कितना हमने कैलकुलेट किया है, 10, तो 10 प्लस माइनस क्या होगा, 0.7 ओम क्या होगा, आंसर होगा, 10 प्लस माइनस 0.7 ओम क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछे कि परसेंटेज एरर बताओ, परसेंटेज एरर इन क्या होगा, आर इज इक्वल टू क्या होगा यार, 0.7 आई मीन क्या लिखेंगे, डेल्टा आर अपॉन क्या लिखेंगे, आर, तो कितना हो जाएगा, 0.7 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 10, ठीक है। क्या लिखेंगे, आर नॉट लिखेंगे, आई मीन ट्रू वैल्यू, तो ये कितना, इंटू 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आई मीन 7% क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो परसेंटेज एरर इन आर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 7% आपका क्या होगा, आंसर आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एरर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ऐसे सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, देखो क्या दिया हुआ है, डिसिपेशन कितना होता है, कुछ नहीं है, सबसे आसान जो ये चैप्टर है कि आप आसान से ये क्वेश्चन दिया हुआ है कितना, अगला क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन नंबर देख लो मुझे याद नहीं है, हीट डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स कैन बी ऑब्टेन, देखो हीट डिसिपेशन इन रेजिस्टर कैन बी ऑब्टेन
obtained by the measurement of resistance by the measurement of resistance, current and time. If the maximum error in the measurement of these quantities, these quantities are 1%, are 1%, 2%, and क्या होगा 3%. Respectively, find the maximum error. Then क्या है? Then maximum error in the heat. Then maximum percentage error in measurement of heat is क्या होगा? ऑप्शन देखो, 4%. बी देखो क्या होगा, 6%. सी देखो क्या होगा, 4/3%. एंड डी देखो, 2%. फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 4%. सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 6%. थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 4/3%. एंड लास्ट ऑप्शन जो किया दिया हुआ है, लास्ट ऑप्शन जो है वो कितना परसेंट दिया हुआ है, 2% दिया हुआ है. अब सॉल्यूशन देखो, कुछ नहीं है, मैं फॉर्मूला लिख दूंगा तो आप भी सॉल्व. H इज इक्वल टू क्या होता है, हीट इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू क्या होता है, टी होता है. ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं डेल्टा एच अपॉन एच क्या करना है, देखो 2 इंटू डेल्टा आई अपॉन आई प्लस डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा टी अपॉन क्या हो गया, टी. अब क्या होगा यार, परसेंटेज एरर यहां इंटू क्या करेंगे, 100 इंटू डेल्टा एच अपॉन एच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 इंटू डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100 प्लस 100 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर प्लस 100 इंटू डेल्टा टी अपॉन क्या हो जाएगा, टी. यही क्या हुआ, परसेंटेज एरर इन एच हो गया, परसेंटेज एरर इन क्या हुआ, आई. अब क्या करना है, इसमें वैल्यू रख देना है. तो कितना, 1%, 2% और क्या है, आई आर किसके किस में टर्म में दिया हुआ है, मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, आई मीन रेसिस्टेंस कितना दिया, 1%. करंट कितना दिया हुआ है, 2%. और टाइम क्या है, 3% दिया हुआ है. तो आप लिख सकते हो, तो परसेंटेज एरर इन एच क्या होगा, परसेंटेज एरर इन एच इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू परसेंटेज एरर इन करंट. तो कितना है, करंट में कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है. तो 2 प्लस, ठीक है, आर में कितना दिया हुआ है, 1% दिया हुआ है. तो 1 प्लस टाइम में कितना दिया हुआ है यार, 3%. तो ये कितना हो जाएगा, हमने कुछ गलत लिख दिया क्या, 8% आंसर आ रहा है यार, ये हमने कुछ गलत लिख दिया क्या, करंट रेजिस्टेंस में क्या दिया हुआ है, 1%. ठीक है, रेजिस्टेंस में 1%, करंट में कितना दिया हुआ है, 2%. रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस करंट एंड टाइम, अच्छा 1% दिया हुआ है, सॉरी यहाँ ये 1% होगा या 3%, ठीक है। ते कितना होगा, 1 लिख दो तो 1, ते कितना हो जाएगा, आई मीन 4 + 2 आई मीन कितना हो जाएगा, 6% आंसर हो जाएगा। तो इसलिए आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आप इसी तरह क्या है और भी प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आज के क्लास में क्या है, बस इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ ए नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप और भी, आपके पास जो भी बुक होगा उससे प्रैक्टिस करना, और यदि नहीं आया तो आप मुझे डाउट सेंड कर सकते हो, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। ओके, थैंक यू।